शहजाद शाह, अफजाल शाह दोनों बड़े टॉप क्लास बैट्समैन, शानी मुगल, असद मुगल दोनों बड़े टॉप क्लास बैट्समैन 473 के। शानी मुगल को एक ओवर में 17 रन करना है अगर वो फतह हासिल करना चाहते हैं इस मैच में विहाड़ी से। विहाड़ी की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, अगर 473 विहाड़ी को हराने में कामयाब होता है तो ये बड़ी फतह होगी 473 के लिए। शानी मुगल सामने है, पहला बॉल वाइड बॉल, अब 6 बॉलें 16 रन्स, 6 बॉलों पर 16 रन। टेस्ट मैच सुपर ओवर, विहाड़ी का मुकाबला 473 और एक और वाइट। शानी के लिए टारगेट थोड़ा आसान हो गया, 6 बॉलों पर 15 रन। असद मुगल दोनों ही टॉप क्लास बैट्समैन है 473 ईबी के, 6 बॉलें 15 रन। बड़ा ही अच्छा मैच, तमाशाई मैच से लुत्फानंदोज होते हुए शरीफाबाद में 6 बॉलें 15 रन। और शानी ने यह बॉल मिस किया, यार्कर लेंथ डिलीवरी थी जिसको मिस कर गए शानी। कपड़े भाग आए शानी मुगल बड़े ही सिंपल आदमी, और अच्छा शॉट शानी का, अंपायर का इशारा 2 रन, 4 बॉलें 13 रन। शानी के लिए कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, 2 छक्के हैं सिर्फ अगर शानी लगाएं तो। शानी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं 473 ईबी के, 4 बॉलों पर सिर्फ 13 रन करने हैं उन्होंने, 4 बॉलें 13 रन। बड़ा जिंसी के सुपर ओवर, 4 बॉलें 13 रन और मिस करवाया बॉल को, 3 बॉलें 13 रन। शानी मुगल मिस होते हुए 3 बॉलें 13 रन, 3 बॉलें 13 रन। बड़ा दिलचस्प मैच, शानी मुगल 5 विहाड़ी के बॉलर्स का सामना करते हुए शानी मुगल, और ये तरीबी के 2 बॉलें 13 रन्स ड्रॉ हो जाएगा शानी मुगल विहाड़ी के बॉलर को, और अच्छा शॉट शानी का 2 रन के लिए। अब ये मैच 400 ना काम हुए इस ओवर में, शानी अच्छे बैट्समैन थे, बैड लक हो गई और वाइड रन 10 रन्स, 1 बॉल 10। और इस तरह विहाड़ी ने 473 ईबी को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। शानी 17 रन करने में नाकाम रहे, एक भी छक्का रसीद ना कर सके विहाड़ी के बॉलर्स को। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बहुत ज़्यादा तादाद में तमाशाई आए हुए हैं। अगर हम मशरक़ की तरफ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तमाशाई मौजूद, मगरब की तरफ देखें वहाँ भी तमाशाई मौजूद, शमाल में देखें वहाँ भी।